नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सेकंड टर्म ने MMRCA 2 में राफेल की जो दावेदारी है वो और मजबूत कर दी है। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, एक प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेकंड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ आप जानते ही होंगे कि इंडियन एयरफोर्स का, या यूं कह लीजिए कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कंपटीशन, जिसे MMRCA 2.0 के नाम से बताया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, MMRCA 1 में, जिसका टेंडर 2007 में निकाला गया था, और इस MMRCA 1 के अंतर्गत 2014 में तकरीबन 36 राफेल की मंजूरी दी गई थी NDA गवर्नमेंट के द्वारा। और इस डील को 2015-16 में साइन कर लिया गया था और इस साल के सितंबर अक्टूबर से राफेल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 2017 में IAF द्वारा रिलीज किए गए एक टेंडर के अनुसार IAF को तकरीबन 114 फाइटर की आवश्यकता है, और जिसके लिए विश्व भर से तकरीबन 7 ऐसी मुख्य कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आप सभी जानते ही होंगे, और इससे पहले भी हम कई बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि इन 7 मुख्य कंपनियों में से अमेरिकन कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 रेस्पेक्टिवली के साथ साथ रशियन कंपनी MiG-35 और Su-35, साथ ही में स्वीडन के साप द्वारा निर्मित JAS-39, ग्रिपेन ई और यूरोपियन कंसर्टियम द्वारा निर्मित यूरोफाइटर टाइफून इस कंपटीशन के मुख्य पार्टिसिपेंट है। और इन सभी पार्टिसिपेंट में से डसॉल्ट द्वारा निर्मित राफेल की दावेदारी सबसे प्रबल बताई जा रही है, क्योंकि MMRCA 1 में भी बहुत सारे पैरामीटर्स को स्कैन करने के बाद IAF ने राफेल को सेलेक्ट किया था। और राफेल IAF के बहुत सारे ऑपरेशंस को देखते हुए मल्टी रोल ऑपरेशन करने में सक्षम है, जो कि राफेल की दावेदारी IAF की कंपैटिबिलिटी के लिहाज से सबसे प्रबल बनाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि IAF को अपर एज दे रहे हैं। राफेल में लगा है RBE-2 ईसा रडार, इसके साथ इंटीग्रेटेड है एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, और अपने साथ ये एक एक्स्ट्रा एज लेके आता है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मारक क्षमता के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बेस्ट BVR मिसाइल, जो कि MBDA द्वारा निर्मित मीटियोर को लेके आता है। और वहीं पे जो इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है वो है ये इनेबल करता है IAF के लिए एक न्यूक्लियर ट्रिगर ऑप्शन को। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि राफेल को एक अपर एज देते हैं बाकी सभी कंटेंडर्स के कंपेयर में। और इसी में एक और एडवांटेज ये है कि अगर राफेल की CEO की माने तो जो राफेल का एक्सपोर्ट है वो किसी भी तरह से ITAR रेस्ट्रिक्शन से ऊपर है। बेसिकली ये ITAR रेस्ट्रिक्शन इंटरनेशनल टैरिफ इन आर्म्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसे एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस के साथ साथ किसी भी देश के या फिर किसी ऐसे वेपन के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि वो किसी गलत हाथों में ना जाए। तो ये एक नॉर्म है जिसे ITAR बोला जाता है और उसके अंतर्गत राफेल नहीं आता है। तो ये एक मेजर एडवांटेज बताते हैं डसॉल्ट के CEO। वहीं अगर बात करते हैं MMRCA 2 के स्टेटस की, तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे MMRCA 2 के लिए जो एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट है SQR, उसे IAF ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। और इसके अंतर्गत IAF के जितने भी ऑपरेशंस हैं, चाहे वो इंडिया के टेरेंस और बॉर्डर्स को देखते हुए प्लान किए जाते हैं, तो उन सबको दिमाग में रखते हुए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी फाइटर में, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट तैयार की जाती है। और ये सारी तैयारियाँ IAF के द्वारा कर ली गई है ऑलरेडी, और इस फाइल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए AON के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया गया है। और जैसे कि आप सब जानते होंगे, इलेक्शंस की वजह से ये फाइल अभी मॉड के पास थी, और जैसे ही अभी इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो जून में मोस्ट प्रोबेबली इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON दे दिया जाएगा, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इशू किया जाएगा IAF के द्वारा, और उसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप में एक RFP इशू किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर ये सारा प्रोसीजर नेक्स्ट मंथ AON के इशू हो जाने के बाद स्टार्ट होता है, तो अगले 2 महीने में आप MMRCA 2 को बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। और ऐसी उम्मीद है कि इस साल के 3rd quarter में ही MMRCA 2 की डील साइन कर ली जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं IAF के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दिमाग में राफेल को लेके एक एक्स फैक्टर वाली बात जरूर है, और इसी वजह से राफेल को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स भी राफेल को छोड़ के किसी और फाइटर की तरफ जाने की बात पे राफेल में एक्स फैक्टर को गिनाते हुए नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करता है कि राफेल MMRCA 2 में एक प्राइम कंटेंडर है। और ऐसी उम्मीद है कि राफेल ही MMRCA 2 जीतने जा रहा है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।